और अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके दिल में हो, हौसले बुलंद हो, तो कुछ भी असंभव नहीं। और बचपन से ही दोनों हाथों से असमर्थ बसंती न सिर्फ अपने पैरों से लिखती है बल्कि देश के भविष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। उसके जन्म लेते ही उसे मार डालने की सलाह दी गई थी, लेकिन ये कौन जानता था कि यही बच्ची आगे जाकर अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेगी। आप देखिए बसंती मैडम की कहानी। अपने मनोबल को इतना सशक्त कर, कठिनाई भी आने से ना जाए डर, आत्मविश्वास रहे तेरा हम सफर, बड़े बड़े कष्ट ना डाल पाए कोई असर। ये पंक्तियां धनबाद की इस जिंदा दिल टीचर पर सटीक बैठती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंदरी जिले की बसंती मैडम की, जो पिछले 9 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हैं और स्कूल का हर छात्र बसंती मैडम का मुरीद है। हमेशा से कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश ने बसंती को आज स्कूल टीचर बना दिया। 1993 में मैट्रिक पास करने के बाद बसंती ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उसका ये सफर बेहद ही मुश्किल भरा रहा। हाथों से असमर्थ होने के कारण पिता स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन बसंती की जिद की वजह से उसे पास ही के एक स्कूल में दाखिला करवाया गया। बस फिर क्या था, बसंती ने शिक्षा को अपना अजीज बनाकर शिक्षक का मुकाम हासिल कर लिया और आज वो अपने पैरों के इस्तेमाल से छात्रों को पढ़ाती है। कई साल तक पढ़ाने के बावजूद भी बसंती को स्थायी नौकरी नहीं मिली है, बावजूद इसके भी वो संतुष्टि के साथ बच्चों को पढ़ाती है। परीक्षा देने से पहले मैं ये बोली थी अपनी माँ को कि मैं पढ़ लिख के एक दिन टीचर बनूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये संघर्ष, आज ये संघर्ष मेरा सपना पूरा हो गया। बसंती का ज्यादा वक्त स्कूल परिसर में ही गुजरता है। स्कूल की छात्राएं कहती हैं कि बसंती मैडम को देख उन्हें भी कुछ बनने की प्रेरणा मिलती है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल के मुताबिक अनुशासित बसंती अपने कर्तव्य से समझौता नहीं करती। अच्छी से पढ़ाते हैं, उन्हें देखकर हमें बहुत गर्व होता है। विकलांग है, लेकिन उनका मनोबल और उनका मतलब कोशिश, इच्छा, प्रेरणा इतना है ना कि उनको देखते हुए और सब विकलांग भी सोचेंगे कि हमको भी इसी बसंती की तरह मतलब होना चाहिए। शारीरिक कमी ने बसंती के हौसलों को डगमगाने नहीं दिया। वो खुश है कि अपनी शारीरिक कमी के बावजूद वो अपनी तकदीर लिख रही है, पर अफसोस सरकार की अनदेखी पर है, क्योंकि दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं के बावजूद भी पिछले 9 सालों से पढ़ाने वाली बसंती की ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। धनबाद से नितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।